हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोराज ऑल इन वन। आज हम बनाएंगे सोया खीमा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए एक कटोरी सोया चंक्स, और इसे मैंने ठंडे पानी में ही 10 मिनट के लिए भिगो के रखे हैं। आप चाहे तो गर्म पानी में भी इसे भिगा सकते हैं। तो अभी इसमें मैं 10 मिनट हो चुके हैं और इसे मैंने धो लिया है दो पानी से, और अभी मैं इसे अच्छे से निचोड़ लूँगी। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाना चाहिए, और अच्छे से हम इसे निचोड़ लेंगे ताकि जब हम इसे ग्राइंड करें तो इसमें पानी का कोई भी अंश बाकी ना रहे। और अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस चालू बंद करके थोड़ा दरदरा ही पीसना है इस तरह से। ये देखिए, एकदम ज़्यादा बारीक नहीं किया है मैंने, और पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है बारीक करते समय। यहाँ पे मैंने तेल में प्याज डाला है, एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। और अभी मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। ये 2 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, और ये है नमक। अभी इसे अच्छे से मिला लेंगे पूरे मसाले। जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। और अभी इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। और अभी मैं इसमें डालूंगी टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 छोटे साइज के टमाटर काट दिए हैं, ये देखिए। इसे भी अच्छे से पका लेंगे। और ये है दही। इस बात का ध्यान रखें कि दही डाले हैं तो टमाटर और दही ज़्यादा खट्टी ना हो जाए, इसलिए संभल के डालिए। मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए छोटे वाले, और 2 छोटे चम्मच ही मैंने यहाँ पे दही डाला है। आप अपने हिसाब से डालिए, आपको जितना खट्टा अगर नहीं ज़्यादा पसंद है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर कम भी डाल सकते हैं दही। और अभी इसमें डाल देंगे सोया चंक्स जो मैंने पीस लिया था। अच्छे से अभी इन सबको मिला लेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है, और जैसे टिफ़िन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर वक्त पे कोई सब्जी घर में ना हो, सोया चंक्स ही हो, तो इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिए। खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जिनको सोयाबीन नहीं पसंद है, इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और बहुत ही अच्छी बनती है। तो इजीली कोई भी इसे आराम से खा लेते हैं। देखिए, अभी इसे हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था, और इसे ढक के मैं अभी पका लूँगी 2 मिनट के लिए। धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। ये देखिए, तेल कैसे सेपरेट हो चुका है इसमें से। और इसे थोड़ा सा पलट के मैं इसे और थोड़ा सा ढक के पका लूँगी ताकि ये और अच्छे से पक जाए। देखिए, अभी हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो अभी मैं कर लूँगी इसे सर्व। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन का बटन आता है तो उसे भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।